सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देवी भागवत चल ही रही है, अब उसके अगले भाग की तरफ चलते हैं। आज हम जानेंगे किस प्रकार से महादैत्यों का मधु कैटप का वध भगवान विष्णु ने किया और कैसे माता की शक्ति से ही यह सारी क्रिया संपन्न हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता जगदम्बिका। सूत जी कहते हैं, अब जगत गुरु भगवान विष्णु श्री विग्रह निद्रा दूर हुई और उनके नेत्र मुख और नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान 12 बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनी ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधुर कैटम नाम के 2 दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं और उनका रूप बड़ा ही भयंकर है। वे अपार बलशाली हैं। वे दोनों मुझे मारकर खाने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभो, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है, अब आप मुझे बचाइए। भगवान उसको बोले, ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए, अब आपका भय समाप्त हो गया है। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं, अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस पर देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे, इतने में ही मत वाले मधु और कैटप दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चलाया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले तू लड़ ले। क्या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूँ, यो कह दे। सूत जी कहते हैं, मधुर कैटप की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और मैं कैटप की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि युद्ध करने के लिए तैयार हुए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। अभी कैटप वहीं ही खड़ा रहा। 2 मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटप लड़ने आया, फिर मधु और कैटप, फिर यो बार बार वे क्रोध से अंधे दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटप कुछ संभ्रम ना हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब लगभग 5000 वर्ष युद्ध चलता रहा, तब भगवान श्री हरि मधु और कैटप की मृत्यु के विचार में विचार करने लगे। सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को थकान तक न हुई, जबकि मैं थक गया हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह रहे हैं? ऐसा क्या कारण है उपस्थित हो गया है? यो भगवान विष्णु चिंतित देखकर मधुर कैटप को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुझसे बल न रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम दो लोगों का दास बन गया हूँ। महामते, यदि यह ना कहे तो अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर, तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही 4 मुख वाले ब्रह्मा के प्राण भी हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधुर कैटप उन्हें यूं खरी खोटी सुनाने लगे। उनकी बात सुनकर भगवान शांतिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते, यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की है, मैं अकेला हूँ और समान पल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो,
वैसे मैं भी कुछ समय विश्राम कर लूं। इसमें क्या संदेह है, माना तुम दोनों महान मतवाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधुर कैदब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा वो निश्चय करके कुछ समय के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और कैटब यहाँ से कुछ दूर चले गए हैं, तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती इन्हें वरदान दिया है कि ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु इनके पास आएगी, इसी से शांत नहीं होते। मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की है, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल ना मिला, ये कैसे मरेंगे यह ठीक जाने बिना, अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार, ये दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं, सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव बन गया है, बिना युद्ध किए ये मरेंगे कैसे, भगवती वर दे चुकी हैं, वह उसे टाल नहीं सकती, भला अपनी इच्छा से दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे, जब कोई असाध्य रोगी दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर तो ये अभिमान से चूर हैं, ये अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे, अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उस विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न किए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यह सोच रहे थे कि इतने ही में उन मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद रूप भगवान श्री हरि को योग ज्ञान तो था ही, उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटब संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ, अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जाएंगे, मेरे वक्र दृष्टि से ये अवश्य भी ही मोह में पड़ जाएंगे, नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती प्रेम से सनी हुई यह वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे, युद्ध की इच्छा से भी वे सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, बोले, चार भुजा वाले विष्णु ठहरो ठहरो और युद्ध करो, तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा है, हार और जीत प्रारब्ध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है, इसलिए महात्मा पुरुषों को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करें। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ, प्राचीन समय से बहुत से दैत्य मुझे पराजित हुए, यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधुर कैटब से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटब युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से घूंसा मारा, बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान विष्णु पर घूंसे की चोट पहुंचाई, यो परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उसे भगवान करुणा रस से भीग गए थे, उन्हें देखकर भगवती अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गईं, साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, उनके उस अवलोकन पर में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चित पावन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटब तुरंत मोहित हो गए, मदन शरीरों से उनका मन व्यथित हो गया, यह मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यो मानते हुए अपनी विस्मित छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधन में सतर्क तो थे ही, वे देवी के प्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन काल समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए हैं, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और ना सुना, तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपार बलशाली दानवों तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटब काम से आतुर थे, उन्होंने अपना बल अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थी, जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रहीं, अभिमानी वे भगवान श्रीहरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे, देवेश तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं, हम याचक नहीं हैं, हम तो उदार दाता हैं, हरिकेश तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो
हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव तुम्हारे अद्भुत युद्ध को देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। मधुर कैटअप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो बस मेरे हाथों मौत को स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटअप महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा गिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती थी। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहे, जनार्दन तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारी भी अभिलिषित वर दो। माधव हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया और साथ ही में हंसकर कहने लगे, महाभाग जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यूँ कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु कैटअप को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो, आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान कहकर कथन सुनकर उसकी सत्यता पर विचार करते हैं। तत्पश्चात अपने 4000 कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटअप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिया। तब भगवान ने उनके मस्तक को चक्र से काट डाला। तदनंतर मधु और कैटअप के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त से और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनिश्रो तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया, इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा है वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपणी महामाया की सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण है। अतः वे चाहे निर्गुण हो या सगुण, उन पराशक्ति की उपासना ही करनी चाहिए। इस प्रकार नवा अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में मैं आपको व्यास जी की तपस्या, भगवान शंकर का वरदान, राजा सुधन्वन्ति की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुधन्वन्ति की देवी पूजा और भगवती कृपा से सुधन्वन्ति को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्राप्ति करना और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना, ये कहानी अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगा, जो भाग 10 हो। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, माता की महिमा पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ भगवती।